हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फूड में। तो दोस्तों, अगर आप भी बोर हो चुके हैं मैगी मैक्रोनी और पास्ता खा खा कर, तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी का एकदम नया एकदम हेल्दी नाश्ता। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप सूजी। आप किसी भी प्रकार की सूजी यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो छोटे दाने की हो या मोटे दाने की। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी खाने का सोडा। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डालें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच अजवाइन, और जाएगा इसमें 1 चम्मच तेल, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, यानी कि तेल इसमें अच्छे से मिल जाए। तो फटाफट से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया है, आप भी गर्म पानी ही लें। गर्म पानी से सूजी तुरंत फूलेगी, ठंडे पानी से उतना ज़्यादा जल्दी बैटर नहीं बनकर तैयार होगा। इसलिए गर्म पानी हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। डालते जाएंगे और मिक्सचर तैयार करते जाएंगे। हमें एक अच्छा बैटर तैयार करना है, जैसे कि हम पकौड़ी वकौड़ी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक फाइन बैटर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना ये बैटर तैयार करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। ये एकदम बॉइल्ड वाटर नहीं है, जब बॉइलिंग पॉइंट पर पानी पहुँच जाता है ये वो पानी है। तो यहाँ पर गर्म पानी ही हमें लेना है, गर्म की जगह आप गुनगुना भी ले सकते हैं। इसलिए इस बैटर को तैयार करने से पहले जब आप और सामान निकाल कर रखेंगे तभी आपको गैस पर पानी चढ़ा देना है, जिससे कि आपको मतलब आपका टाइम बच जाए, क्योंकि ये बैटर बनाएंगे जब तक हमारा पानी भी बॉयल हो जाएगा साइड बाई साइड। इसलिए हमें पहले गैस पर इतना पानी रख देना है जिसमें हम इसकी जैसे हम पकौड़ियाँ तोड़ते हैं तेल में, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से इसे भी हमें पानी में तोड़ना है, यानी कि पानी में निकालेंगे इसको हम। इसलिए हम साइड में पानी अगर चढ़ा देंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। इसलिए आप पहले ही गैस पर पानी को बॉयल करने के लिए रख दें जब तक ये बैटर हमें तैयार करना है, क्योंकि इस बैटर को हमें जितने अच्छे से मिक्स करेंगे हम उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट भी मिलेगा। इसकी सूजी अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, यानी फूल जानी चाहिए पानी के साथ में। इसलिए हमें इसे काफ़ी देर तक इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है यहाँ पे, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई है ताकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी देर तक मैंने इसको अच्छे से फेंटा है। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे से इसको फेंटना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिल जाएँ और ये बैटर थोड़ा सा फूल भी जाए, यानी कि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए। तो अभी ये तैयार हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में ढक के रख दूंगी जब तक हमारा पानी बॉइल नहीं हो जाता। तो दोस्तों, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। तो हमने अब जो बैटर तैयार किया है उसकी हमें, जैसे हम पकौड़ियाँ निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें पानी में हम अपनी पकौड़ियाँ तोड़ देंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देते हैं। आप इसे किसी अलग तरीके से भी तोड़ सकते हैं, किसी और चीज़ में मशीन जैसे आती हैं उसमें भर के भी आप इसको निकाल सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन का, या फिर पाइपिंग बैग में डालकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथों से ऐसी रफली तोड़ रही हूँ, कोई शेप नहीं दे रही हूँ, और इसको इस पानी में अच्छे से डाल दूंगी, जैसे कि क्या हमें बॉयल करना है, इनके पकने तक हम इन्हें बॉयल करेंगे। ये बड़े ही आसानी से ऐसे बॉयल हो जाते हैं और बहुत अच्छे टेस्टी भी लगते हैं, पूरा अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी सारी पानी वाली पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे उबालने के लिए हम इसे थोड़ा सा ढककर उबलने देंगे, क्योंकि टाइम लगेगा। इसलिए आप चाहें तो इसमें कोई ऑयल भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे बिना ऑयल के ही इनको बॉयल करूँगी। ये अभी थोड़ा सा पानी इसका अच्छे से उबल जाए तब मैं इसको ढककर भी बॉयल होने दूंगी, लेकिन आपको बार बार ढक्कन खोल के भी देखना होगा। जब हम कोई भी ऐसी चीज़ उबालते हैं तो उसको ढक देते हैं तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही बॉयल होती है, इसलिए तो उससे गैस बुझने का भी डर होता है। इसलिए हम बार बार चेक करेंगे इसको कि कहीं ये पानी तो नहीं निकल रहा और हमारी गैस तो नहीं बुझ गई। ढककर पकने से फ़ायदा ये होता है कि जल्दी पक जाता है और आसानी होती है हमें बनाने में। तो देखिए, ये काफ़ी देर तक हमने बॉयल कर लिया है इसको, अब चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से उबल गया है या नहीं। काफ़ी हद तक ये बॉयल हो चुके हैं, तो इसको इसमें पानी में हम पड़ा रहने देते हैं और थोड़ी देर और बॉयल होने देते हैं जब तक कि हम और सामग्री इसकी तैयार कर लेते हैं जो इसमें हम डालने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बॉयल और होने देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सामान इसके लिए काट लिया है जो इसमें मैं डालने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी मूंगफली दाने, करी पत्ता, हरी मिर्च काट ली है दो, थोड़ी सी आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ले लिया है समथिंग एक चम्मच, और राई ली है छौंकने के लिए। उसके अलावा प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है, और नमक और तेल तो हमारा रहेगा ही। चलिए अब इसको हम छौंक लेते हैं। देखेंगे अब इसमें ये पक चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं अच्छे से, ये काफ़ी अच्छे से अब बॉयल हो चुके हैं, इनको फटाफट से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरीके के हो गए हैं, मैं काट के आपको दिखाती हूँ, ये अंदर तक से भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इनको हम करेंगे अच्छे से फ्राई, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं पास्ता वास्ता वैसे ही। इसमें डाल दिया है मैंने लगभग एक बड़ा चम्मच तेल, आप कोई भी तेल इसमें ले सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले मूंगफली फ्राई करके निकाल देंगे, जैसे कि हम पोहा हुआ के लिए निकाल लेते हैं पहले से ही, बिल्कुल वैसे ही फ्राई करके हम इन मूंगफली को अलग निकाल लेंगे। मूंगफली हमारी हो चुकी है, इनको हम अलग निकाल लेते हैं। अब इस तेल में हम डाल देंगे राई जो हमने ली है, राई, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें करी पत्ता, उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक चला लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो चलिए प्याज डाल देते हैं, इसको थोड़ा भुनने देते हैं और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं और थोड़ा सॉफ्ट भी होने देते हैं। तो प्याज हो चुकी है हमारी सॉफ्ट और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम बाकी की चीजें डालेंगे, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, थोड़ा चला लेंगे इसे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, इसे भी हम चला लेंगे। चलिए मसाले डाल देते हैं इसमें, ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया, ये आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा चाट मसाला डाल दिया। अब जो मूंगफली हमने फ्राई करके ली थी उन्हें भी हम डाल देंगे। मूंगफली डाल देने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपने सूजी के गट्टों को, जो कि हमने अभी बनाकर तैयार किए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे पार्ट में कट करके ले लिया है ताकि इनको पकाने में आसानी हो जाए। तो चलिए इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसके साथ अच्छे से मिला लेते हैं। एक दो मिनट तक चला लेने के बाद इसको हम अब ढककर पकने देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये जले ना, तली में लगे ना, इसलिए इसको हम ढक देते हैं और थोड़ा मसाले में भुनने तक अच्छे से पकने देते हैं। तो लगभग दो तीन मिनट तक हमने लो फ्लेम पर इसको पकने दिया और ये काफ़ी अच्छे से मसाले में अब अच्छे से मिल चुकी हैं सारी चीज़ें। तो इसमें हम डाल देंगे अब हरी धनिया और इसको उतार लेंगे। तो चलिए पहले इसमें हरी धनिया डाल देते हैं, आधा मिनट तक और रखा छोड़ेंगे, उसके बाद इसको हम निकाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारा सूजी का एकदम से नया नाश्ता। तो ये आप कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, सूजी आपने और बहुत तरीकों से बनाई होगी लेकिन आप एक बार इस तरीके से भी बनाकर खाएं तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।